और ये लेटरिनों के बच्चों का चेक करते हैं, काफी दिन हो गए इनके बच्चे चेक नहीं किए, तो मसला थे ये दो बच्चे तो बिल्कुल सही तरीके से हेल्दी है, ये तीसरा बच्चा नहीं हिल रहा है, इसे बाहर निकाल के देखते हैं इसे क्या मसला हुआ है। तो अभी इसे बाहर निकाला था ये तो एक्सपायर हो गया, ये देखें कैसे पड़ा हुआ है, इसके देखते हैं कि इसका कोई जहम तो नहीं है, ये ऊपर से ब्लैक ब्लैक मुझे लग रहा है, मुझे लगता है कि फीमेल ने मारा होगा इसे, और इसे फीड बिल्कुल नहीं कराई हुई जिस वजह से ये मर गया। इसी पेयर की मुझे अभी समझ नहीं आ रही, जितनी जल्दी इसने बच्चे निकाले हैं ये बच्चों को सही तरीके से फीड भी नहीं कराती। अभी पहले इसे साइड पर रखते हैं और फिर दूसरे बच्चों को देखते हैं कि वो कैसे हैं। इस पेयर के ऊपर आज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि ये बच्चों को सही तरीके से फीड नहीं कराते, मेरा एक दिल कर रहा है ये बच्चे उठा के दूसरे पेयर के नीचे रख दूं, लेकिन अभी देखते हैं इसे फीड कराई है कि नहीं, अगर ना फीड कराई हो तो इसे मैं इन बच्चों को मैं उठा के दूसरे पेयर के नीचे रख दूंगा। तो मछला से इनको तो फीड कराई है लेकिन प्रॉपर फीड नहीं कराई हुई, जैसे दूसरा पेयर फुल करता है ना वैसे नहीं किया होगा। तो अभी दूसरे लवबर्ड के बच्चों को भी देखते हैं वो कैसे हैं, मछला से वो तो अभी बिल्कुल ठीक है। तो मछला से इनको फीमेल ने काफी अच्छे तरीके से फीड कराई हुई है, पांच बच्चे हैं इसके पास और पांचों को बिल्कुल सही तरीके से फीड कराई हुई है। मेरा भी ये दिल कर रहा है कि वो बच्चे भी उठा के इसके नीचे रख दूं, तो आप दोस्तों ने भी बताना है कि क्या मैं दो बच्चे उठा के इसके नीचे रख दूं क्योंकि वो प्रॉपर फीड नहीं करा रही। तो इस व्लॉग के साथ करते हैं एंड।